गोली चलते ही वह 260 मीटर प्रति सेकंड की गति से बुलेट प्रूफ जैकेट की ओर बढ़ती है। अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट का बाहरी आवरण हटा दूं, तो उसके अंदर चार परतें होती हैं। पहली परत सिरेमिक की होती है, उसके बाद क्रमशः आर्मीड फाइबर की परत, ओवरटेक की परत और अंत में पॉलीथीन की परत होती है। सबसे पहले गोली सिरेमिक परत में सेट की गई सिरेमिक डिस्क से टकराती है, इससे गोली की गति कम हो जाती है और उसका अगला भाग छपटा हो जाता है। छपटा होने के बाद गोली आर्मीड फाइबर की परत से टकराती है। यह आर्मीड फाइबर की परत एक जाल वाले फाइबर की बनी होती है जो स्टील से 5 गुना मजबूत होती है और यह गोली की ऊर्जा को अवशोषित कर उसे सतह पर वितरित कर देती है। इसके बाद गोली इस परत को भेदती हुई ओवरलैक्स लेयर से टकराती है जो आर्मीड फाइबर परत का एक उन्नत और मोटा संस्करण है जो स्टील से 10 गुना से अधिक मजबूत होता है। अब गोली अंतिम परत प्लास्टिक पॉलीथीन की परत की ओर बढ़ रही है, लेकिन गोली की गर्मी के कारण यह पॉलीथीन परत पिघलकर गोली को रोक देती है।